चलता फिरता आया था मरीज, उसके लाने के बाद यहाँ एडमिट कराया, फिर इन लोगों ने खून मंगाया बताइयों से, दो दिन बाद ऑपरेशन करा, बोले बच्चा खत्म हो गया, अब आज सुबह खत्म हो गई वो चलते फिरती। आज भी कल डिलीवरी ने जबरदस्ती की है, अच्छा खत्म हो गई लड़की, हम एक तो कल ले गया वही खत्म हो गया, तीन आज यहाँ तैयार है। मरीज जब सीरियस थी तो उसे वेंटिलेटर पे लिया गया था, उसको वेंटिलेटर पे ऑपरेशन भी किया गया क्योंकि उस समय जो है मरीज की जान बचाना जरूरी थी, सेप्टिक फैलता जा रहा था। सर लापरवाही किस माध्यम से, उसकी सारी रिपोर्टें हमारे पास है, सारा कार्य हमने किया है और हमने पीएम पोस्टमार्टम की राय भी दे दी उसको, हमारे पास दो ही का है विवरण, कोई भी पेशेंट उसकी अतिरिक्त कोई भी डेथ नहीं है। यूपी के जिला बरेली में दो गर्भवती महिलाओं की मौत के बाद हंगामा खड़ा हो गया, महिलाओं के साथ ही उनके पेट में बच्चों की भी मौत हो गई। परिजन लापरवाही का आरोप लगाते हुए नारे लगाने लगे, महिलाओं के शव को बाहर रख दिया और काफी देर तक हंगामा करते रहे। तब मैदानी हॉस्पिटल थाना सुभाष नगर से फोर्स पहुंच गया, परिजनों को पुलिस ने शांत किया, आश्वस्त किया कि लापरवाही के लिए अस्पताल पर कार्रवाई की जाएगी। जिन गर्भवती महिलाओं की मौत हुई है उनमें एक का नाम प्रियंका पत्नी अंकुर निवासी चनहटी और दूसरी का नाम मिथिलेश पत्नी महेश निवासी सिरौली था। अस्पताल में एक मरीज की हालत गंभीर बताई जा रही है, उसके परिजनों का कहना है कि ठीक से इलाज नहीं हो रहा है, लापरवाही बरती जा रही है। अस्पताल के डॉक्टर ने अपनी सफाई में कहा है कि गर्भवती महिलाओं के पेट में बच्चों की मौत पहले हो चुकी थी, दूसरे उनके घर वालों ने इलाज कराने में लापरवाही बरती है। खैर पुलिस मामले की जाँच कर रही है, उसके बाद आगे की कार्रवाई पर निर्णय होगा। आइए आपको सुनवाते हैं कि इस मामले में मरीज के परिजनों ने क्या आरोप लगाया और डॉक्टर ने अपनी सफाई में क्या कहा है। मेरा नाम अर्जुन है, कहाँ रहते हैं हम लोग, रहते हैं धौली। अच्छा, जो मरीज है वो चनेटी के रहने वाला है। अच्छा, क्या हुआ था? उसके से डिलीवरी थी उसकी, डिलीवरी तो यहाँ लेके आए, चलता फिरता आया था मरीज, उसके लाने के बाद यहाँ एडमिट कराया, जो लोग बोले एक्सरे वगैरह वो अल्ट्रासाउंड वगैरह होगा वो हुआ, उसके बाद में क्या हुआ कि उन्होंने भर्ती कर दिया, इनने बच्चे के पेट में बता रहा है कि खून की कमी है, प्लेटें कुछ कम है, फिर इन लोगों ने खून मंगाया बताइए उसे, जहाँ से व्यवस्था करी सात बोतलें लेके आए थे, फिर उसके प्लेटें पूरी कराई थी उसकी, प्लेट पूरी कराने के बाद में दो दिन बाद ऑपरेशन करा, बोले बच्चा ख़त्म हो गया ऑपरेशन के बाद, फिर वो उसको होश नहीं आया, उसको परसों रात में होश आया था, चल फिर रही थी, खाना वाना भी उसने मतलब जो भी खाया पिया था, जूस भी पिया था, अब आज सुबह खत्म हो गई वो चलते फिर रात वो चनेटी लाल फाटक प्रियंका जब आज सुबह हुई है रात में चार लोगों हो गई। कौन है आपकी? लड़की है। क्या हुआ था इनको? गर्भवती है, गर्भवती 8 महीना है, बच्चा 3 दिन आएगा पेट में खत्म भाई। इसके गर्भवती हमारी लड़की है ठीक है, जिसके तरह दूध धान लेकर आए ठीक है, बोलती चालती हमने भर्ती करी थी एसबीओ में, लगे जाको ताई बोले ठीक है, तो बोले क्या एसबीओ में लगा दे इसका दर्द कम हो जाएगा, तभी वो डिलीवरी हो जाएगी, तो हमने किया था ऑपरेशन तक, तो बोल नहीं है ऑपरेशन तो नहीं होगा कम है, इन भाई जब रोकते करीब अभी 4 दिन 5 दिन हो गए इन्हें, आज भी कल डिलीवरी इन्हें जबरदस्ती की है, अच्छा खत्म हो गई लड़की, अब हमें तो इन्हें 4 बजे नॉर्मल की है, जहाँ चार एक तो कल ले गया वही खत्म हो गया, 3 आज आज तैयार है, आज 3 तैयार आज हो जाए, आज भी हम क्या कह रहे कहीं चलाओ हमें, जमीन बेच के लाओ चाहे कहीं चलाओ हमें, रुपये लेगा आओ काउंटर पे। डॉक्टर महेंद्र जोहरी, सर पेशेंट एक्सपायर हुआ था जिसका नाम है प्रियंका, प्रियंका जो पेशेंट एक्सपायर हुई थी वो हुई थी हमारे अस्पताल में 6:20 पे, पेशेंट का IUD बच्चा था, यानी कि बच्चा पहले से एक्सपायर था पेट में, जो उसका हीमोग्लोबिन था वो 4 ग्राम था, प्लेटलेट जो थे वो भी लोअर साइड में थे, बहुत ज़्यादा लो थे, मैं आपको बता देती हूँ कितने थे, 55,000 प्लेटलेट हैं इसके 9 तारीख के, और जब आई थी हमारे पास तब इसके प्लेटलेट थे 42,000। उसके अलावा इसके जो है दोनों फेफड़ों में निमोनिया था, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत थी, मरीज जब सीरियस थी तो उसे वेंटिलेटर पर लिया गया था, मरीज का वेंटिलेटर पर लगातार इलाज चला, उसको वेंटिलेटर पे ऑपरेशन भी किया गया क्योंकि उस समय जो है मरीज़ की जान बचाना ज़रूरी थी, सेप्टिक फैलता जा रहा था, अगर बच्चे को नहीं निकालते तो माँ की जान वैसे भी खतरे में थी, और वेंटिलेटर पे बच्चे को निकालने के बाद 24 से 48 घंटे में थोड़ा रिकवर हुई, ऐसा नहीं है कि फुल रिकवर थी, तो उसको वेंटिलेटर से आउट किया गया। पेशेंट को वेंटिलेटर से आउट करने के बाद पेशेंट के घर वालों को बताया गया कि मरीज अभी भी गंभीर है, जल्दबाजी ना करें। उसके बाद मरीज ने कहा, इन्फोर्स किया कि भाई शिफ्ट कर लो, तो हमने मना भी किया। पेशेंट आगे उसके बाद जो है वार्ड में शिफ्ट किया गया, वहाँ पे उसको थ्रोम्बो एम्बोलिन होने की जो संभावना है, एम्बोलिन होने की संभावना है जिसकी वजह से उसकी
दिल की गति अचानक रुक गई। तुरंत उसे फिर से आईसीयू लिया गया, रिवाइव करने की कोशिश की गई, आईसीयू लेकर के उसका सीपीआर किया गया, परंतु जब मरीज रिवाइव नहीं हुआ तो उसे मृत घोषित किया गया। सर जो दूसरा पेशेंट है वो ये तो गायनी में भर्ती था, दूसरा पेशेंट निमोनिया करके आया था, उसका जो है प्लेटलेट काउंट कम थे, लीवर पे जोर था, आप जान रहे हो आजकल महामारी भी दिक्कत भी है, समय ज़्यादा ही दिक्कत चल रही है लो प्लेटलेट काउंट की। उसको कल से हम लोगों ने बताया था, रात से वो हमारे पास एक दवाई नहीं ला के दे रहा था, तब हमने उसे सुबह छुट्टी के लिए बोल दिया था, उसकी छुट्टी हो चुकी थी। जिस समय समय पर दवा ना लगने के अभाव में उसका बीपी लोअर साइड जा रहा था, हमने उसको छुट्टी कर दी। सुबह पेशेंट की छुट्टी होने के बाद उसको नीचे ले गए, तब वो जब ले जा रहा था तो विदाउट वेंटिलेटर की एम्बुलेंस में ले जा रहा था, तो डेथ होना स्वाभाविक है। आपके बताया जा रहा है 3 मौतें हो गई हैं, कितनी मौतें हुई हैं? हमारे पास 2 ही का है विवरण, कोई भी पेशेंट उसकी अतिरिक्त कोई भी डेथ नहीं हुई। परिजनों का आरोप है कि लापरवाही बरती गई। सर लापरवाही किस माध्यम से? उसकी सारी रिपोर्टें हमारे पास है, सारा कार्य हमने किया है और हमने पीएम पोस्टमार्टम की राय भी दे दी है उसको। एक पेशेंट विदेश खत्म हुई है, उनके परिजनों का कहना है आप लोगों ने उनको फिर पैसा देने की भी कोशिश की। सर वो तो पैसे जमा करके गए हैं। नहीं नहीं, आप लोगों ने पैसा देने की कोशिश की अपनी लापरवाही। सर उनका उनका जो है जमा है पैसा जो भी है, और उनका जो भी विवरण है मेरे पास पूरा उपलब्ध है, और वो लिख के गए हैं समय पर, लिखित में है उनका बयान, आप लिखित में देख लीजिए। उनका आरोप है कि आप अपनी लापरवाही छुपाने के लिए आप लोगों ने ऑफर किया है पैसा। सर हम अरे सर कैसी बात कर रहे हैं आप, सर हम पोस्टमार्टम की बात कर रहे हैं, हम क्यों कहेंगे सर। और मैं आपको बता दूं सर, मेरे पास इसका विवरण है जो इन्होंने खुद लिखा है, इनके यहाँ के मिथिलेश के जो घर वाले हैं महेश और दौलत राम, इन्होंने साफ लिखा है कि मेरे मरीज का नाम मिथिलेश है और मैं सिरौली बरेली का निवासी हूँ, मेरे मरीज के इलाज के दौरान मृत्यु हुई है, मरीज की सांस की मशीन वेंटिलेटर पर था, मैं हॉस्पिटल के खिलाफ या डॉक्टर के साथ कोई भी कार्रवाई नहीं करना चाहता हूं, और मेरे मरीज की मृत्यु मेरे बीमारी के कारण हुई है। ये है प्रति, आप देख लीजिए।